इस सुंदर देश की सुंदर जगहों में से एक छत्तीसगढ़ के राजिम की बात करेंगे। नमस्कार, भारत यात्रा की इस कड़ी में हम छत्तीसगढ़ के सबसे प्रमुख स्थल या यूँ कह सकते हैं सबसे प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल राजिम के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। राजिम पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो कि तीन नदियों का संगम है, जिनमें महानदी, पैरी नदी और सोंडूर नदी शामिल है। राजिम में प्रत्येक वर्ष कुंभ का मेला लगता है, जो कि माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक के चलता है। वैसे तो राजिम में बहुत सारे मंदिर हैं, किंतु सबसे प्रमुख मंदिर राजीवलोचन मंदिर और श्री कुलेश्वर नाथ महादेव मंदिर शामिल है, जो कि नदी के बीचों बीच में स्थित है। मंदिर परिषद में स्थित अन्य मंदिरों में संत शिरोमणि, राजिम भक्तिन मंदिर, श्रीनाथ मंदिर, श्री राज राजेश्वर मंदिर और श्री दान दानेश्वर मंदिर व अनेक छोटे छोटे मंदिर स्थित है। तो आइए विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हम छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजिम में तीन नदियों के संगम में पहुँचे और वहाँ की यात्राएँ की, किस प्रकार से हमारी यात्रा का अनुभव रहा, क्यों यह छत्तीसगढ़ में प्रमुख आस्था का केंद्र बना हुआ है और इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथाएं छुपी हुई है। चलिए दोस्तों विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। नमस्ते भारत, मैं मेहुल भारत यात्री इस कड़ी में आपको भारत के छत्तीसगढ़ के प्रयाग, जो कि राजिम के नाम से प्रसिद्ध है, के दर्शन करवाने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ में स्थित राजिम नामक महापंचायत, जो कि गरियाबंद जिले में स्थित है, रायपुर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर यह विश्वविख्यात स्थल स्थित है, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा में महाशिवरात्रि तक 15 दिनों का मेला लगता है, जहाँ पर देश के विभिन्न भागों से, न केवल देश के बल्कि विभिन्न देशों से लोग दर्शन करने आते हैं। और प्रमुख पर्यटन स्थल होने के साथ साथ यहाँ पर अनेक प्रसिद्ध स्थान भी है, अनेक मंदिर है, अनेक ऐसे दृश्य है जो मन को मोह लेते हैं। वर्तमान में एक नया ब्रिज पुल बनाया जा रहा है, जो कि देखने में भी अत्यंत आकर्षक है, जिससे बारिश के समय में अगर नदी में अत्यधिक पानी होने पर आसानी से जो नदी के बीचों बीच अत्यंत सुंदर और शांति देने वाला जो मंदिर है, कुलेश्वर मंदिर, वो नदी के बीचों बीच स्थित है। पानी भरा होने के कारण नदी में आसानी से वहाँ पहुँचना मुश्किल होता था, इसलिए सरकार द्वारा नए पुल, नए ब्रिज का निर्माण किया गया है, जो कि देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। दोस्तों, आस्था मनुष्य के जीवन का आधार है और आस्था के कारण ही मनुष्य अच्छे से जीवन जी पाता है। धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, संस्कृति के प्रति आस्था के कारण ही मनुष्य मनुष्य के रूप में जाना जाता है। हमारे भारत की संस्कृति रही है कि हम शुरू से ही किसी न किसी रूप में यात्राएं करते आए हैं, करते रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, और इसी प्रकार से मनुष्य जीवन का आनंद लेने का प्रयास करेंगे और जीवन में सुख और शांति बनी रहे, यही ईश्वर से कामना करते हैं। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए। भारत की हम साइकिल से यात्रा कर रहे हैं और भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थानों और विभिन्न स्थानों का हम यात्रा करते हुए वहाँ की जानकारी